अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप जा रहे हैं, खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से एक छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे वाज, अभी ना तकरीबन 10 का टाइम है। आज हम बहुत ही ज़्यादा परेशान हुए थे, फातिमा और मैं और शुहेब, क्योंकि साथ ही हमसायों के घर यहाँ पे रात को बहुत ज़्यादा आवाज़ें आ रही थी चोरों की। तो क्योंकि अभी ना ये कपास का सिलसिला चल रहा है ना, जैसे तो चोर वगैरह आ जाते हैं। कपास बड़ी बड़ी है और मकई भी साथ में ये बहुत ही बड़ी बड़ी है, तो इसमें भी आकर छुप कर बैठ सकते हैं। तो इसलिए बहुत ही ज़्यादा डर लग रहा था और हमारा दरवाज़ा भी नहीं लगा हुआ था। और फातिमा, मैंने और शुएब ने यहाँ पर चारपाई अंदर से डाली हुई थी और सारी रात जागते रहे कि क्योंकि चूहों को तो कोई पता भी नहीं होता है, कभी भी आ सकते हैं। और गीदड़ वगैरह भी बहुत ज़्यादा होते हैं, उनका भी ख़तरा रहता है। इंशाल्लाह बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि जल्द से जल्द ये दरवाज़ा लग जाए हमारा। और अगर कोई बहन भाई हमारी हेल्प कर देगा तो इंशाल्लाह जल्दी लगा लेंगे, क्योंकि आप लोगों को पता है सर्दियाँ आने वाली हैं, फिर तो सब अंदर ही सो जाते हैं। और हम चाहते हैं कि सर्दियाँ आने से पहले ही हमारा दरवाज़ा लग जाए, तो इंशाल्लाह ज़रूर लग जाएगा। हम भी कोशिश कर रहे हैं, तो आप लोगों ने भी हमारा पूरा साथ देना है, क्योंकि हमारे चैनल तो इतना ज़्यादा नहीं चलना, हमारे चैनल के व्यूज़ बहुत ही ज़्यादा कम हैं। तो मैं चाहती हूँ कि आप लोग मेरा पूरा साथ दें और मेरे सब्सक्राइबर भी बहुत ज़्यादा हों और मेरे व्यूज़ भी बढ़ें, ताकि मैं आप लोग मेरी हेल्प भी करें, ताकि मैं ये दरवाज़ा भी लगवा सकूँ। तो अभी फातिमा सलाम करेगी, फिर चलते हैं अंदर का जो घर का काम पड़ा है वो ख़त्म कर लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग कैसे होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अभी बस आज संडे है, मैंने स्कूल भी नहीं गई, तो आज स्कूल भी नहीं गई और सारी रात ये देखें इसकी आंखें मोटी मोटी हो गई हैं, सारी रात जागती रही। जब जरिक सोती थी फिर उठ कर बैठ जाती थी, कहती थी कि फिर अंदर ना आ जाएं। मैंने कहा अब बहुत ही दूर दूर की आवाज़ें आ रही हैं, यहाँ नज़दीक नहीं है। तो अभी चलते हैं अंदर, काम ख़त्म करते हैं। तो प्यारे भी बात, रात को अंधेरी भी बहुत आई थी, तो जब अंधेरी से आई थी हम भी जाग रहे थे, तो सब मिट्टी मुंह पर आई थी और जो बिस्तर वगैरह वो भी सब मिट्टी से ख़राब हो गए थे। तो सुबह हमने इसको ठंडा कर और ब्रेक कर रखा है, वैसे जब अंधेरी बहुत ज़्यादा तेज़ आई थी ना पहले, उससे पहले भी हम जाग रहे थे, तो और भी फिर ज़्यादा फातिमा शुएब को डर लगने लगा, हवा ज़्यादा चली हुई थी ना इसलिए। तो अभी देखिए सारे यहाँ पे सेल में भी सारे काख वगैरह हुए हैं, किस तरह चाकर अंदर रख देती हूँ फिर झाड़ देती हूँ। तो प्यारे भी बस नल के से पानी, तो प्यारे भी बस अभी नल के से पानी भरने जाती हूँ।
टोकरा उठा के आ चुकी हूँ, सभी बर्तन धोती हूँ। प्यारे बाबा मम्मी काम कर रही थी तो मैंने सोचा कि मैं बर्तन धो लूं, तो कभी कभी अम्मी धोती है और कभी मैं धोती हूँ। बर्तन धोने का तरीका मैं आपको बताती हूँ। पहले इसे साबुन मलते हैं, तो फिर इसे साफ पानी में धोते हैं, फिर इसे टोकरे में रखते हैं। मैंने साबुन मल लिया तो अभी पानी से तो अभी मैंने झाड़ू यहाँ से दे दिया है और ये बाहर इसको इकट्ठा कर लिया है। और फातिमा के काम देखो, वो ना बर्तन धोने लग गई है, क्योंकि संडे वाले दिन ना ये कहती है मैं बर्तन धोऊंगी। वैसे तो मैं खुद ही धो लेती हूँ, मगर ये आज जिद करने लग गई, चलो मैंने कहा मैं ये काम ख़त्म कर लेती हूँ। छोटे बर्तन हैं वो धो लेंगी, जो बड़े पड़े हैं ना वो मैं खुद धो लूँगी। शुएब ने रात ना यहाँ जो हमारा दरवाज़ा नहीं लगा हुआ, यहाँ पे ना एक डंडा बना के बैठा हुआ था, वो अभी मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। उसने डंडा भी बनाया हुआ है, रात को डर बहुत ज़्यादा लग रहा था ना, इसलिए पता तो प्यारे आप देख सकते हैं। ये देखे ये शुएब ने ना डंडा बना के रखा हुआ था कि जब भी कोई चोर वगैरह आएंगे या गीदड़ वगैरह आएंगे ना फिर उसको हम मारेंगे। तो मैंने कहा शुएब को चलो बना के अभी रख दिया है, कोई बात नहीं, जो काम आ सकता है। अभी ना पता नहीं वो कहीं खेलने चला गया है अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि एक दिन तो छुट्टी होती है तो बच्चे भी बहुत ज़्यादा जिद करते हैं खेलने के लिए। तो फातिमा भी अभी खेल रही थी, तो ये भी अपने कज़नों के साथ खेलती है, भाग जाती है खेलने के लिए। तो कभी कभी ना ये ज़्यादातर नहीं हो पाती, वो ये मेरे साथ ज़्यादातर रहती है। तो वीडियो भी हमारी काफ़ी लंबी हो गई है, घर का सारा काम हमने कम्प्लीट कर लिया है, बर्तन वगैरह धो लिए हैं, क्योंकि रात अंधेरी बहुत ज़्यादा आई थी ना, काम भी बहुत ज़्यादा बिखरा हुआ पड़ा था, तो सारा कंप्लीट कर लिया है। तो वीडियो भी अब एंड करते हैं, और अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो आप लोगों ने भी हमारा पूरा साथ देना है और हमारी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प करनी है, ताकि हमारी जो परेशानियाँ हैं वो दूर हो सकें, और जो दुख तकलीफ़ में हैं अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बूढ़ों का साया भी हमेशा आप लोगों पर कायम रखें। इंशाल्लाह हम अच्छे भी लोग के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।